हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एंगल गेज के न्यूमेरिकल। एंगल गेजेस दो सेट के होते हैं, एक सेट में 12 पीस और एक स्क्वायर ब्लॉक जो 90 डिग्री का होता है, और दूसरे में 13 पीसेस और एक स्क्वायर ब्लॉक होता है। अब हम आपको बता दें कि एंगल गेजेस किस तरीके से, ये देखिए एंगल गेजेस, इसमें एक साइड दिया एडिशन का और एक तरफ दिया सबट्रैक्शन का, उसके सिम्बॉल्स दिए हुए कि कब हम एडिशन करते हैं किस तरीके से और किस तरीके से हम उसमें सबट्रैक्शन करते हैं। और ये देखिए, ये उसकी पोजीशन दी है कि अगर हमारे पास हमारा जो एंगल है कभी 90 डिग्री से अगर मोर हमको एंगल दिया रहा और उसे हमें सेट करना है तो उसके हमें एक स्क्वायर ब्लॉक लगाना पड़ता है और बाकी भी के गेजेस में अरेंज करना पड़ता है। अब हम सॉल्व करते हैं समर 2022 में जो एक क्वेश्चन आया था एंगल गेज का 8 मार्क के लिए, उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दिया है क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन था कब का, समर 22 का, जो कि 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया एंगल गेज के ऊपर। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमें जो एंगल है वो एंगल हमें अचीव कर बनाना है बाय कंबाइनिंग डिफरेंट एंगल गेजेस 57 डिग्री 6 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स। ये एंगल हमको एंगल गेजेस को कंबाइन करके हमको एंगल बनाना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग एंगल्स दिए है। जैसे कि पहला जो सेट है उसमें वन का एंगल है, 3 एंगल है, 9 है, 27 है एंड 41 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एंगल दिए हुए और मिनट्स में हमारे पास है 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट और 27 मिनट, और सेकंड्स में है 3 सेकंड्स, 6 सेकंड्स एंड 18 सेकंड एंड 30 सेकंड। तो इन एंगल गेजेस को कंबाइन करके हमें ये एंगल अचीव करना है 57 डिग्री 6 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स। एंगल गेजेस जो सेट है उसको हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं एंगल्स, इसको बोलते हैं मिनट्स और इसको बोलते हैं सेकेंड्स। तो चलिए हम इस एंगल को अचीव करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बायफर्केट करके रखा है, एंगल, मिनट्स एंड सेकेंड। सबसे पहले हम एंगल को कंबाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ मिनट्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड्स करेंगे। अब हमें किस तरीके से करना है, इसमें हमें क्या करना है कि एंगल जो गेजेस है हमें वो एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें 57 डिग्री अचीव करना है। उसके लिए 57 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा सेट है एंगल का सेट, इसी में से हमको यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 41 डिग्री हमने यूज कर लिया, यानी हमें एडिशन करना है 41 डिग्री। तो 41 डिग्री का हम पहला गेज लेंगे एंगल गेज, उसी उसमें कंबाइन करेंगे 27 डिग्री को। ठीक है, ये आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि हमें किस तरीके से इस 57 डिग्री को हम लेके आएंगे। हमें इन जितने जो गेजेस है 1, 3, 9, 27, 41, इन सबका एडिशन या सब्सट्रैक्शन इन्हीं का करके हमें ये 57 डिग्री अचीव करना है। ठीक है, तो पहले हमने ले लिया 41 का एंगल गेज ले लिया, फिर हमने 27, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। अब हमें तो अचीव करना है 57 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ले लेंगे, फिर हम 3 डिग्री को उसमें माइनस कर देंगे। इसको हमने 3 डिग्री को माइनस कर दिया उसमें। ओके, 3 डिग्री माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा एंगल वो जाएगा 65 डिग्री, बट हमें अचीव करना है 57 डिग्री। हम क्या करेंगे, फिर उसमें से इस 9 डिग्री को माइनस कर देंगे। इस 9 डिग्री को हमने माइनस कर दिया। अब 9 डिग्री माइनस करने हमारे पास एंगल बच गया 56 डिग्री, जबकि हमें चाहिए 57। अब अभी अभी हमारे पास एक बचा है, 1 का एंगल बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 को एडिशन कर देंगे, हमारे पास एंगल आ जाएगा 57 डिग्री। इस तरीके से हम ये 57 डिग्री का जो एंगल है उसको अचीव कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमें किस तरीके से एंगल को अचीव करना है। इसके बाद हमें अचीव करना है, यानी एंगल गेजेस को कंबाइन करके इस मिनट्स को करना है। अब ये हमारे पास दिया है 6 मिनट। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि अगर वहां पे जो 6 मिनट है, 6 मिनट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 मिनट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, 27 मिनट है, ये अवेलेबल है। तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले ले लेंगे इस 9 मिनट को। 9 मिनट ले लिया हमने सबसे पहला, और उसमें से अगर हम इस 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 मिनट। तो हम फिर पहला गेज लेंगे 9 का, सेकंड वन इज 3 का, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड डायमेंशन था 6 मिनट का वो हमको यहाँ अचीव हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिनट अचीव हो जाएगा, मिनट के लिए गेजेस मिल जाएंगे। अब हमें अचीव करना है सेकंड, जो कि दिया है हमें 9 सेकंड, क्वेश्चन में दिया 9 सेकंड। अब 9 सेकंड के लिए हमारे पास सेट कौन सा है, थर्ड वाला सेट है, जिसमें 3 सेकंड, 6 सेकंड, 18 सेकंड एंड 30 सेकंड, ये हमको मेंशन किया हुआ दिया हुआ है।
अब इसमें हमें देखना है कि 9 सेकंड ऑलरेडी हमारे पास है क्या, तो इसमें 9 सेकंड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब हमारे पास 6 है और 3 है, अगर हम दोनों का एडिशन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम ले लेंगे 6 का 6 और फिर ले लेंगे 3, ऐसे इस तरीके से 2 गेजेस ले लेंगे और दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये हमारे पास 9 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 57 डिग्री 6 मिनट और 9 सेकंड ये जो कॉम्बिनेशन है ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम उन एंगल गेजेस को किस तरीके से अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें एंगल गेज को अरेंज करके भी शो करना है कि हमें उस एंगल गेजेस को किस तरीके से शो करना है, किस तरीके से दिखाना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि हम उन एंगल गेजेस को कैसे अरेंज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमें जो एंगल गेजेस है उनको किस तरीके से अरेंज करना है, उनका डायग्राम हमें किस तरीके से बनाना है। एंगल गेजेस जो होते हमेशा वो एंगल के फॉर्म में होते हैं, जब भी हम उसको उसका डायग्राम ड्रॉ करते वो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये गेज ये हो गया एंगल गेज एक, ठीक है, इस तरीके से। हमें अगर कुछ एडिशन करना है, एडिशन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं ये एरो इस तरीके से, अगर वो 41 का है तो ऐसा रहेगा, 41 का जो एंगल है वो इस तरीके से रहेगा। और अभी अगर हमें इसमें किसी को सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम हमेशा जो यूज करते हैं वो हो जाता है इस तरीके से, ये। दिस इज फॉर एडिशन एंड दिस इज फॉर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से हम यूज करते हैं एडिशन के लिए और इस तरीके से यूज करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। तो हमें एंगल गेज में सिंबल रहता है, ये सिंबल से हमें समझना होता है कि कौन सा गेज हमें एडिशन के लिए यूज करना है और कौन सा गेज हमें सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करना है, मतलब माइनस के लिए यूज करना है। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें इस 57 डिग्री 6 मिनट और 9 के लिए हमने जो एंगल गेजेस यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उसको किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं उसे हम। जब भी हमें स्टार्ट करना है तो हमेशा हमें एंगल से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे एंगल्स अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम पूरे मिनट्स अरेंज करेंगे और उसके बाद पूरे सेकंड्स अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सबसे पहला जो मैं ले लेता हूं वो रहेगा 41 का। ये एंगल होगा हमारा 41 डिग्री का, दिस इज 41 डिग्री, और आपको इस तरीके से उसे मेंशन करना है कि हमने 41 डिग्री का एंगल ले लिया। ठीक है, अब 41 में हमने कितना एडिशन किया था, 27। नेक्स्ट बनेगा फिर से हमारा जो एंगल बनेगा वो 27 का बनेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से दिस इज, और एरो भी रहेगा उसी तरीके से, दिस इज 27 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे दो एंगल गेजेस आ गए 41 और 27 के। अब हमने क्या किया था, नेक्स्ट लिया था हमने 3 डिग्री का, वो भी हमने क्या किया, माइनस किया है। ठीक है, अब माइनस में कैसा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि एडिशन वाला जो गेज है वो इस तरीके से रहता है, दिस इज एडिशन वाला गेज, और जो ये एडिशन, ठीक है, दिस इज एडिशन, और जो सब्सट्रैक्शन वाला गेज है वो रहेगा इस तरीके से, दिस इज सब्सट्रैक्शन, ये दिस इज एडिशन, दिस इज सब्सट्रैक्शन। तो अभी हमने एडिशन वाले दो लगा दिए, मतलब 41 डिग्री 27। अब हमें लगाना है 3 जो कि माइनस में है, तो वो कैसा होगा, वो यहां से रहेगा छोटा और यहां से होगा थोड़ा बड़ा, और उसको हम इस तरीके से लगा देंगे, दिस इज 3 डिग्री। ठीक है, इस तरीके हमने 3 डिग्री लगा दिया। उसके बाद हमें लगाना है 9 डिग्री, ये भी हमारा माइनस है, सेम ये पोर्शन बड़ा ये पोर्शन थोड़ा सा छोटा, इस तरीके से, सॉरी ये एरो मैंने गलत कर दिया, इसका एरो ऐसा आ जाएगा। अब ये भी सब्सट्रैक्शन है तो ये भी हमारा 9 डिग्री का आ गया। ओके,
उसके बाद ये 9 डिग्री हो गया। अब 9 के बाद फिर हमने 1 डिग्री लगाया एडिशन का। एडिशन मतलब ये साइड छोटा और ये साइड बड़ा, इसे हमें ऐड करना है। ये इसका सिंबल, दिस इज 1 डिग्री। अब यहां पे देखिए हमने कितने एंगल गेजेस यूज किए थे 57 डिग्री के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव एंगल गेजेस लगा लिए हमने। यहाँ पे हमारा एंगल का जो सेट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें जो सेट लगाना है वो है मिनट्स का। मिनट्स में हमने कितने गेजेस लिए, 2 गेजेस, पहला है 9 मिनट एंड सेकेंड वन इज 3 मिनट। ठीक है, अब ये दोनों कैसे, 9 वाला कौन सा है, एडिशन है। ठीक है, 9 का एडिशन है और 3 का सबसेक्शन है। तो देखिए अभी हम सबसे पहले लेना है 9। ओके, 9 एडिशन वाला कैसा होता है, हमेशा ये साइड उसका छोटा होगा और ये साइड बड़ा होगा, इस तरीके से, दिस इज 9 डिग्री। अब उसमें से उसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना है कितना, 9 मिनट। अब उसमें हमें माइनस करना है 3 मिनट्स। अब हम 3 मिनट्स को माइनस करेंगे। अभी माइनस में क्या होता है कि ये पोर्शन थोड़ा बड़ा, ये पोर्शन थोड़ा सा छोटा, इस तरीके से। तो ये हमें क्या करना है, माइनस करना, मतलब सब्सट्रैक्शन करना है। तो उसमें सिंबल आ जाएगा ऐसा और ये आ जाएगा 3 मिनट्स। अभी यहां हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, मिनट्स, मतलब 6 मिनट्स हमारा कंप्लीट हो गया, है ना, 9 और 3, ये 6 हो गया। अब हमें सेकंड के जो एंगल गेजेस वो लगाना है। इसमें कितने एंगल गेजेस है, एक 6 सेकंड और एक 3 सेकंड, दोनों कॉम्बिनेशन करके 9 सेकंड बन गया। अभी ये दोनों कौन से है, एडिशन वाले है, तो मतलब ये वाले गेजेस आएंगे, मतलब ये साइड छोटा और ये साइड बड़ा, इस तरीके से, और उसका सिंबल कैसा रहेगा, दिस, और ये रहेगा 6 सेकंड। फिर हमें लास्ट जो स्लिप एंगल गेज है वो लगाना है 3 सेकंड का, फिर से सेम इस तरीके से, एरो ये आ गया 3। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉम्बिनेशन सेट बन जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें भी एक चीज और है, एक चीज हमें करना है इसमें, और हमें जो शो करना है इसे इस तरीके से, ये यहां से और ये इस तरीके से, और ये जो टोटल एंगल है, ये एंगल होगा आपका कितना है, ये 57 डिग्री 6 मिनट एंड 9 सेकेंड। आपको इस तरीके से शो करना है यहां पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा।